तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीकानेर में भी मतदान प्रक्रिया जारी है। यहां कांग्रेस उम्मीदवार मदन गोपाल मेघवाल ने नथुसर बास में अपने पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं भाजपा उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल ने किसमिसर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए काफी उत्साहित भी नजर आए। तो बीकानेर से बीजेपी के प्रत्याशी और तीसरी बार चुनाव लड़ रहे अर्जुन राम मेघवाल ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। लगातार प्रदेश भर की जो अलग अलग तस्वीरें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त देश भर की 7 राज्यों की 51 सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है। तकरीबन 15% से ज्यादा लोकसभा चुनाव का 5वां चरण है और प्रदेश की बात करें तो 2रा चरण है। पहले चरण की बात करें तो 68% से ज्यादा का मतदान हुआ था और यही उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरे चरण में 68% से ज्यादा ये बढ़ सकता है। हालांकि अभी शुरुआती रुझान है, शाम 6 बजे तक वोटिंग का वक्त है और अब तक करीब 15% मतदान हो चुका है। पूरे प्रदेश भर में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है, कहीं से किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। वहीं अगर देश भर की बात करें तो लखनऊ से राजनाथ सिंह ने भी वोट डाला है, मायावती ने भी वोट डाल दिया है, तो कई दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। यहाँ तो मतदान करने वाले जितने भी मतदाता आए हैं उनके मध्य भी यही आप देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है। इसका मतलब कितना जोश मतदान करने का, अपनी सरकार चुनने, अपने प्रतिनिधि चुनने, और यही संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा था कि यही जोश यही जुनून लोकतंत्र के लिए होगा और वो आज भी। बीकानेर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।